हूँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिजाज शर्मा और क्वारंटीन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वन प्लस एट के बारे में एक अपडेट। मैंने पहले की वीडियो जो है बनाई थी उसके अंदर मैंने बोला था कि फ़ोन्स जो है वो 20 तारीख को जो है वो सेल पे चल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा कि आप लोगों को पता है। और फिर उसके बाद 29 मई जो है वो डेट दी गई थी जब वन प्लस एट और वन प्लस एट प्रो जो है वो सेल पर जाने वाले थे। बट अपेरेंटली अभी रिसेंटली नोएडा की जो ओप्पो वाली फैक्ट्री है जहाँ पर ये वाले फ़ोन जो है मैनुफैक्चर हो रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर वाले फ़ोन जो है मैनुफैक्चर हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो है वो 6 से 7 वर्कर्स को जो है वो COVID-19 पॉजिटिव जो है वो निकल चुके हैं। तो उस वजह से सेल्स जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो पोस्टपोन हो चुकी हैं। तो अपेरेंटली फ़ोन्स जो है वो सेल पर नहीं जा रहे हैं 29 मई को। अपेरेंटली इंडिया के अंदर वाला स्मार्टफोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो चीपेस्ट जो है वो बिक रहे हैं। लगभग 41,000 रुपीज़ का जो है आप वन प्लस एट जो है वो उठा सकते हो और 55,000 रुपीज़ का वन प्लस एट प्रो जो है वो उठा सकते हो। US के अंदर ये वाले फ़ोन जो है वो 68,000 रुपीज़ के हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो सेम टू सेम कंडीशन चल रही है और वहाँ पर ये वाले फ़ोन जो है वो $100 रुपये ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। मतलब 68,000 फ़ोन आप लगभग 75,000 से 80,000 रुपीज़ का वहाँ पर लोग जो है वो सेकेंड हैंड इस वाले स्मार्टफोन को खरीद रहे हैं। और सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर वन प्लस एट प्रो की प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट कर चुकी है, भयंकर तरीके से इसकी डिमांड है, लेकिन ये वाला फ़ोन जो है वो आ नहीं रहा है मार्केट के अंदर। अब मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया के अंदर बड़े बड़े यूट्यूबर्स गीकी रंजीत वगैरह को भी जो है ये वाले यूनिट्स जो है मिली नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर एक तरीके से ये वाला फ़ोन मिल ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। और अमेजोन पर अभी भी जो है प्री बुकिंग जो है वो चालू है। काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो 1 मई को ही जो प्री बुक करवा दिया था, उससे पहले जो है अगर प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई होगी तो लोगों ने जो प्री बुक करा रखा है और लोग जो है वो लगातार डेट जो है वो शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं और सबका दिमाग फट रहा है। लेकिन वन प्लस जो है अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, मतलब लॉकडाउन के अंदर भी जब चाइना वगैरह से आप चीज़ें जो है वो नहीं इंपोर्ट कर सकते, तो इंडिया के अंदर उन लोगों ने वन प्लस एट प्रो और वन प्लस एट का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करा, बट इवेंचुअली जो है वहाँ पर भी ये लोग फेल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी वन प्लस जो है वो हार मान रहा है। अभी भी 29 मई को 12 बजे जो है वन प्लस एट, सिर्फ वन प्लस एट की, वन प्लस एट प्रो की नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन प्लस एट की एक लिमिटेड एडिशन सेल जो है वो रहेगी, जहाँ पर बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक जो है वो रहेगा और बिल्कुल लिमिटेड लोग जो है वो खरीद सकते हैं, एक तरीके से फ्लैश सेल की तरह जो कि MI के फ़ोन्स के अंदर होती थी, कि फटाक से आपको जो है वो इन स्टॉक एड टू कार्ड करना पड़ेगा, अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो आपके हाथ में से फ़ोन निकल जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। एंड आउट ऑफ स्टॉक से याद आया, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ से परेशान हुए हैं कि रेड केबल क्लब के ऊपर बाकायदा आप जो है इन्वाइट कोड्स ले सकते हो पॉपअप बंडल के। अब जो पॉपअप बंडल है उसके अंदर ना ही सिर्फ आपको फ्री ईयरफोन्स मिलते हैं बल्कि एक तरीके से 2 कवर्स भी जो है फ्री में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये ऊपर फ़ोन के MRP से। और उसके अंदर वन प्लस एट प्रो के जो प्रोमो कोड्स हैं, इनवाइट कोड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कम लोगों को मिले हैं, बट किस्मत से मुझे एक मिल गया और मैं उसको ऑर्डर करने की सोच रहा था कल, क्योंकि उसकी सेल जो है वो 28 मई को होने वाली थी, बट अब वो भी नहीं हो रही है जैसा कि मुझे पता पड़ रहा है सोर्सेज से कि वन प्लस एट जो हो सकता है आ जाए पॉपअप वाले बॉक्स के अंदर, लेकिन वन प्लस एट प्रो जो है वो नहीं आएगा, कि जैसे कि मैंने बताया कि एट प्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से एंडेंजर्ड हो चुका है इंडिया के अंदर। अब मैं आपको जो है न्यू डेट्स के बारे में जो है वो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक जो है न्यू डेट्स के बारे में किसी को भी नहीं पता है, वन प्लस तक को नहीं पता है कि कब वो वापस से प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे, और वाकई में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होने के बाद भी ये जो डिवाइसेस हैं उसको नहीं जो है मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, और ना ही जो हो सकता है कि जो डिवाइसेस ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो गए वो भी जो है वो इन्फेक्टेड रहें, और मतलब कुछ भी हो सकता है यार। सो इट्स लाइक रिस्की थिंग टू बाय अ डिवाइस। वन प्लस एट की एक और सेल जो है वो हुई थी 18 मई के आसपास, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर जो है 2 बजे के आसपास वाला फ़ोन आया था और काफ़ी लोगों ने जो है वो ऑर्डर करा था, उसके अंदर भी काफ़ी जल्दी वाला स्मार्टफोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, और उन लोगों को जो है वो डिवाइसेस मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सर्कुलेट होते हैं देख लूँगी। मैंने पर्सनली उस वक्त वाला स्मार्टफोन जो है वो नहीं मंगाया था, तो मैं नहीं बोल सकता कि डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट वगैरह देखे और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बताया कि उनके फोन जो है डिलीवर हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, कम से कम डिलीवर तो हो रहे हैं ऑर्डर करने के बाद में। अभी तक ऑफिशियली ये भी नहीं पता कि आप अमेजोन वगैरह पर ऑर्डर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वन प्लस आपके एक तरीके से पैसे ले ले कि आपका फोन जो है डिलीवर हो जाएगा लेकिन उसको शिप ना करे। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जो है एक तरीके से अपने पैसे फंसा लो, अगर फ़ोन जो है ऑनलाइन आ भी जाता है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसको ऑर्डर कर लो, वैसे मुझे नहीं लगता कि आएगा ऑनलाइन, लेकिन अगर आ जाता है तो प्लीज़ ऑर्डर मत करना। यही थी मेरी वीडियो अभी इस वाले टॉपिक के ऊपर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई भाई, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना भाई। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ, जय हिंद। हम लोग इस चीज़ के अंदर साथ में है, स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।